हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और सीरियस मैटर के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि है काउंसलिंग स्कैम। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछेंगे मुझसे कि भैया अभी तक तो काउंसलिंग स्टार्ट भी नहीं हुई है, तो काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले ये जो स्कैम है वो कैसे हो गया। तो ये जो स्कैम है वो इस साल का नहीं है, ये 2021 का है। और ये कौन से स्टेट का है? यूपी स्टेट का है। तो यूपी स्टेट के अंदर एक बहुत बड़ा काउंसलिंग स्कैम हुआ है, वो मैं आपको डिटेल में इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, और डिटेल में ये भी बताऊंगा कि ये स्कैम किस तरीके से हुआ, और साथ ही साथ में जो स्टूडेंट्स इस साल काउंसलिंग करवाएंगे उनको भी मैं कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दूंगा कि आपको इन चीज़ों से किस तरीके से बचना है। अब स्कैम का मतलब क्या होता है? तो स्कैम का मतलब मोटा मोटा होता है घोटाला। अब ये जो घोटाला है ये यूपी स्टेट के अंदर काउंसलिंग के अंदर कैसे हुआ? तो यूपी स्टेट के अंदर जब पिछले साल आयुष काउंसलिंग हुई थी तो उसके अंदर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। अब इन चीज़ों को मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ एक एक करके। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरीके की अपडेट्स मैं आपके लिए लाते रहता हूं। और आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रखना है, क्योंकि स्कैम वगैरह से रिलेटेड मैं बहुत सारे अपडेट्स देता रहता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, @BeingDoctorNeet के ऊपर। तो आपको जैसे कि पता है, जो गुरु गोरखनाथ आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है उसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो कब हुआ था? पिछले साल हुआ था इसका फॉर्मेशन। अब इससे पहले क्या था? ये यूनिवर्सिटी नहीं थी। उससे पहले क्या था? जैसे कि आप ये मान लो ये यूपी स्टेट है, और यूपी स्टेट के अंदर बहुत सारे पार्ट्स में यूनिवर्सिटी थी, जैसे कि आगरा यूनिवर्सिटी हो गई, कानपुर यूनिवर्सिटी हो गई, वाराणसी की यूनिवर्सिटी हो गई, इस तरीके से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थी अलग अलग खुद खुद की। अब वो खुद के एग्जाम्स भी खुद के टाइम पर कंडक्ट करवाते थे, और बहुत सारी चीज़ें इनके तरीके से होती थी जो भी होता था। लेकिन इसमें हो क्या रहा था गाइस? कोई गवर्निंग बॉडी नहीं थी इनको, मतलब इनको गवर्न करने के लिए, इनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए कोई भी गवर्निंग बॉडी नहीं थी। तो क्या हुआ? गुरु गोरखनाथ आयुर्वेद यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन हुआ। कौन कौन से कोर्सेज के लिए? ये हुआ BMS, BHMS और BUMS कोर्सेज के लिए गुरु गोरखनाथ आयुर्वेद यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन हुआ यूपी स्टेट के अंदर। अभी ये यूनिवर्सिटी आने के बाद में क्या हुआ, ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी इन सबको हटा दिया गया, और जितने भी स्टूडेंट्स थे उन सबको एक यूनिवर्सिटी से जोड़ दिया गया, जो कि थी गुरु गोरखनाथ आयुर्वेद यूनिवर्सिटी। अब ये गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, नई नई यूनिवर्सिटी आई है, तो इसमें इस तरीके से तो आप फ्रॉड वगैरह कर नहीं सकते हो, क्योंकि पूरे यूपी स्टेट को अकेली एक यूनिवर्सिटी संभाल रही है। तो हुआ क्या, एडमिशंस तो हो गए, एडमिशन होते टाइम कोई भी दिक्कत नहीं आई पिछले साल काउंसलिंग के अंदर। लेकिन जैसे कि मैं आपको बताता रहता हूँ, जब मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी वीडियो बनाई थी तब मैंने आपसे यही कहा था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है वो आपका दो फेज के अंदर होता है। पहला फेज तो कौन सा होता है? जब आप रिपोर्टिंग करने जाते हो कॉलेज के अंदर काउंसलिंग के टाइम पे। और दूसरा फेज कब होता है? दूसरा फेज तब होता है जब आपका एडमिशन हो जाता है, और एडमिशन के 3-4 महीने बाद जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कहां पर जाते हैं? रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटीज के अंदर जाते हैं। हर स्टेट की यूनिवर्सिटी है, जैसे कि महाराष्ट्र की कौन सी है? MUHS है। कर्नाटका की कौन सी है? RUHS है। इस तरीके से राजस्थान की डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण है, जिसको अपन DRSSU बोलते हैं। उसके बाद में और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि गुजरात की अलग यूनिवर्सिटी है, गुजरात आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी है। इसी तरीके से यूपी की गुरु गोरखनाथ आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है। तो ये चीज़ तो आपको मोटा मोटा समझ में आ गई होगी। जब ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के लिए गए हैं, कहाँ पर गए हैं? गुरु गोरखनाथ आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के अंदर गए हैं, तब ये स्कैम का पता चला है। अब ये जो स्कैम था वो अगर 5 से 10 स्टूडेंट्स का भी होता तब भी ठीक था, लेकिन ये जो स्कैम था वो बहुत बड़ा था। इस वजह से ये जो स्कैम है वो ओपन में आ गया सबके सामने। अब इसके अंदर हुआ क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ सारी चीज़ों को डिटेल के अंदर। तो आप देख लो, यहाँ पर प्रभारी अधिकारी जो थे उनको भी निलंबित कर दिया गया है। होम्योपैथिक विभाग के अंदर जो कार्रवाई है वो भी शुरू कर दी गई है। और जिनको निगरानी की जिम्मेदारी दी थी पिछले साल कि काउंसलिंग के अंदर फ्रॉड वगैरह नहीं होने देना है, उन्होंने उन्हीं के कॉलेज के अंदर क्या किया है? खेल किया है।
आप यहाँ पर देख सकते हो 41 प्राइवेट कॉलेजेस एंड 13 गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर फर्जी दाखिले हुए हैं, मींस काउंसलिंग का फ्रॉड हुआ है। फिर अगर आप यहाँ पर और ज़्यादा देखोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि गाजीपुर के अंदर 40 में से 40 सीटों पर फ्रॉड हुआ, फतेहपुर के अंदर 60 में से 58 सीटों पर फ्रॉड हुआ। तो गाइज ये जो फ्रॉड था ये बहुत बड़ा है फ्रॉड। इसके लिए जो यूपी के सीएम है सीएम योगी, उन्होंने इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। अब वो एक्शन क्या क्या लिए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख लो एक और न्यूज़ हाईलाइट में आपके सामने साफ साफ सारी चीज़ें लिखी हुई है। वीडियो को आप पॉज करके भी पढ़ लेना इन सारी चीज़ों को, या आपको ये आर्टिकल्स वगैरह चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हो। सारी चीज़ों का लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। फिर यहाँ पर देख सकते हो आप कि कौन सी कॉलेज में कितने फ्रॉड हुए हैं, जैसे कि ये गवर्नमेंट कॉलेजेस के नाम है। यहाँ पर 64 सीट थी तो 9 एडमिशन जो हुए हैं वो फर्जी तरीके से हुए हैं। आप यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस के भी नाम देख लो कितना बड़े अमाउंट में फ्रॉड हुआ है, चाहे से बीएमएस ले लो, चाहे से बीएचएमएस ले लो आप, चाहे से बीयूएमएस ले लो। तो हर जगह ये जो इस साइड का जो कॉलम है ये पूरा फ्रॉड काउंसलिंग का कॉलम है। तो इस तरीके से इतने बड़े अमाउंट में पिछले साल फ्रॉड हुआ। जो मेहनती बच्चे थे, जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स थे, वो एडमिशन ले ही नहीं पाए काउंसलिंग में। तो गाइज ये एक बहुत बुरी बात है। अब इसमें हुआ क्या है, तो आयुष के घोटाले में निर्देशक समेत 2 निलंबित। तो जो निर्देशक थे उनको निलंबित कर दिया गया है, और यहाँ पर जो सीबीआई की जांच है वो बिठा दी गई है, और ईडी की भी जांच बिठा दी गई है। क्योंकि यहाँ पर आप जानते हो जब काउंसलिंग के अंदर फ्रॉड होता है तब फ्रॉड के अंदर क्या होता है, बहुत सारा जो ब्लैक मनी होता है उसकी हेराफेरी होती है। इस वजह से यहाँ पर इन्होंने ईडी की भी जांच बिठा दी है। गाइज अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो स्टूडेंट्स अनक्वालिफाइड हैं उनको मैं बार बार, वो जब मुझे कॉल करते हैं तब भी मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, काउंसलिंग के पीछे मत पड़ो फालतू में। जब कभी भी परसेंटाइल डिक्रीज होगी तब मैं उसका वीडियो बना के डाल दूंगा। अगर आपका हो जाए एडमिशन तो कॉन्ग्रेचुलेशन, वरना आप अगले साल के लिए तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर दो। क्योंकि यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है, बिना नीट दाखिला लेने पर, बिना नीट मतलब अनक्वालिफाइड थे या उन्होंने नीट का एग्जाम ही नहीं दिया था, और ऐसे स्टूडेंट्स को क्या दे दिया गया, एडमिशन दे दिया गया। उस टाइम पे तो इनका एडमिशन हो गया लेकिन बाद में क्या कर दिया गया, स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया गया। तो इस तरीके से हुआ है बहुत जगह। आप यहाँ पर देख लो आयुष ढाकिले के नाम पर 5-5 लाख रुपए लिए स्टूडेंट से। अब यहाँ पर जो मेन जो नुकसान हो रहा है, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पर जो मेन लॉस हो रहा है वो किसका हो रहा है, स्टूडेंट का हो रहा है। चाहे से वो स्टूडेंट अनक्वालिफाइड हो या क्वालिफाइड हो उससे मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन मेन लॉस तो स्टूडेंट का ही हो रहा है। यहाँ पर फ्रॉड किसके साथ किया जा रहा है, स्टूडेंट के साथ किया जा रहा है। और कर कौन रहा है, कॉलेजेस खुद कर रहे हैं। अब जैसे कि एक स्टूडेंट था जिसका मेरे पास मैसेज आया कि भैया मेरे पास कॉलेजेस के कॉल आते हैं, तब मैंने वेबसाइट पर चेक किया तो नंबर बिल्कुल सेम थे। तो गाइज मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि आपको ये सीट बुकिंग, बहुत सारे कॉलेजेस के कॉल आते हैं सीट बुकिंग को लेकर, तो ये सीट बुकिंग के चक्कर में जो फंस गया ना वो गया एक तरीके से, आप ये समझ लो। मतलब अब आप मुझसे पूछोगे कि भैया हमको कैसे पता चले कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है कौन से में नहीं लेना, तो इसके रिगार्डिंग मैं आपसे एक चीज़ यही कहूँगा, जो यूपी आयुष काउंसलिंग की जो मेन वेबसाइट है वहाँ पर जिन कॉलेजेस के नाम होंगे आपको उसी कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना है। और अगर मैं मोटा मोटा भी समझाऊँ, अगर ये चीज़ भी समझ में नहीं आती है, तो जब आप चॉइस फिलिंग करोगे ना तो चॉइस फिलिंग में उन्हीं कॉलेजेस के नाम आएंगे जिनको मान्यता मिली हुई है। किन से? NCISM से मान्यता मिली हुई है जिन कॉलेजेस को, उन्हीं कॉलेजेस के नाम आएंगे। तो आपको जो भी करवाना है अपना काउंसलिंग का प्रोसेस, वो आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी आयुष काउंसलिंग की उसी से करवाना है, उसके अलावा किसी से भी नहीं करवाना है। अगर आप ये मैनेजमेंट कोटा, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, सर मैनेजमेंट कोटा में तो काउंसलिंग की थोड़ी ज़रूरत है। अरे आपको इतना समझना चाहिए कि मैं ये जो वीडियो है वो मैं क्यों बना रहा हूँ, वो मैं फ्रॉड के लिए ही बना रहा हूँ। तो मैनेजमेंट कोटा भी जो होता है वो डायरेक्ट कोटा कुछ नहीं होता है, ये भी काउंसलिंग के थ्रू ही होता है। इसके अंदर भी मेरिट बेसिस पर ही एडमिशन होता है मैनेजमेंट कोटा के अंदर। और इसी तरीके से जो काउंसलर्स होते हैं वो आपको पागल बनाते हैं मैनेजमेंट कोटा के नाम पर, सीट बुकिंग के नाम पर, और आप फंस जाते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया है,
बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 50-50 हज़ार रुपये दिए भी हैं काउंसलर्स को। अब वो हमको कहते हैं कि सर हमने ये कर दिया, यहाँ पर वो कर दिया, और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरी बात भी नहीं मानते हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि एक बार जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी आयुष की, तब आपको खुद को समझ में आ जाएगा जब काउंसलिंग ख़त्म होने लगेगी कि ये जो भी हुआ था ये आपके साथ फ्रॉड हुआ था। और गाइज देखो, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कोई भी स्टूडेंट अपना फ्यूचर ऐसा नहीं चाहेगा कि उसने 2-3 साल यहाँ पर BMS कॉलेज में पढ़ा हो, चाहे से वो BMS हो, BHMS हो या BUMS हो, वो यहाँ पर 2-3 साल तक पढ़ा या 1-2 साल तक पढ़ा, जितने भी साल वो पढ़ा, उसके बाद में जब उसके डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन हुए तब जाकर पता लगा अरे ये तो अनक्वालिफाइड है, अरे इसने तो फर्जी तरीके से एडमिशन लिया है। तो आप तब इन चीज़ों को पता लगाना चाहते हो, मतलब तब भी आपका फ्यूचर ख़राब है। इससे अच्छा है गाइज 1 साल का ड्रॉप लो, कुछ नहीं है, 1 साल का ड्रॉप लो, नीट को क्वालिफाइड करो और प्रॉपर काउंसलिंग के थ्रू आप अपना एडमिशन लो। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आती है तो आप हमारी काउंसलिंग सर्विसेज भी ले सकते हो। बीइंग डॉक्टर ऐप आपको उसके लिए डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, वहाँ पर हमारा कोर्स है आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड, जिसके बारे में मैं बहुत सारी वीडियोज़ में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आपको वहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है और कुछ नहीं करना। और अगर आप हमसे भी नहीं करवाते हो काउंसलिंग तो भी मैं आपसे यही कहूँगा कि इस तरीके के फ्रॉड से आपको बचना है। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यहाँ पर आप न्यूज़ आर्टिकल देखकर समझ गए होंगे कि ये क्या हो रहा है, और मैं आशा करूँगा कि कोई भी स्टूडेंट इस साल इन चीज़ों के अंदर नहीं फंसेगा। तो गाइज अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये बात पहुँचानी है, ताकि उनको भी समझ में आ सके कि ये जो फ्रॉड हो रहा है काउंसलिंग के नाम पर, ये एक्चुअली में फ्रॉड है, कोई एडमिशन नहीं करवा रहा है। अगर आपका एडमिशन भी हो रहा है फिर भी आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा बाद में। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, बीइंग डॉक्टर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।